ब्रेक्स लगवा दिए ना, फिर टायर लगवा दिए ऐसे ग्रुप्स वाले, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी। कहीं भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई आपको कहीं गाड़ी ले जाते, सोचना ही नहीं पड़े उसके लिए। 4x4 है, 4x4 बिल्कुल। पहले पहले आए ना भाई, मेरे को तो लगा ही नहीं सही भाई, ऐसा लगा टॉप वेरिएंट है, आज कैसे बहुत मस्त लग रही थी, एक नंबर की गाड़ी है, समझ ले 15 साल की हवा से बात कर रहा है गाड़ी। जब मैं गुड़गांव से करोल बाग गया था तो मेरे को उस दिन एवरेज दिखा रही थी 17 point something की। कोरा हो रखा है तो ये हमारी पहली कोरे वाली ड्राइव है गुड़गांव में और अपनी स्कॉर्पियन में। दोस्तों कैसे हो, सर्दी है ना तो उठने का मन नहीं करता है, तो अभी हो रहे 11 ही बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में एक जगह पे, जहाँ पे मुझे मिलने वाले हैं अंकित चौहान जो व्लॉगर हैं, उनके साथ एक वीडियो बनाते हैं चल के। यार जब से गाड़ी आई है ना ऐसा लगता है गाड़ी चलाता रहूँ और मौका ढूंढता रहता हूँ बार बार गाड़ी चलाने का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है यार, इट इज़ मोर देन परफेक्ट। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कार इस प्राइस में मार्केट में अभी है या थोड़े टाइम में भी आने वाली है। तो यार ये बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दे दिया महिंद्रा ने सब गाड़ियों को, सब मैन्युफैक्चरर्स को। कल पूरा दिन ऑफिस था और कुछ ना कपड़े हमने ड्राई क्लीनर्स को दे रखे थे और थोड़ा सा दूर है, लाइक 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा घर से या थोड़ा सा उससे दूर। तो निकिता और मैं आलसी फील कर रहे थे बाहर निकले गए, निकिता को मैंने बोला बार बार कि चलो 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 कार से चलते हैं और ड्राई क्लीनिंग से सामान लेकर आते हैं लेकिन नहीं गए। रात मैंने एक बारी चलाई थी, मेरे एक कज़न है वो मीडिया में ही है, तो उनके पास आ रखी थी थार 1.5 लीटर जो एकदम 2023 में लॉन्च होने वाली है, तो वो देखने गया था बस एक बारी रात में थोड़ी देर के लिए। उसका वीडियो नहीं बना पाया यार क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था थोड़ा व्हीकल ना अभी के लिए जो उनके पास आ रखा था, तो पर सही है यार मज़ा आ रहा है। और हमारी ट्रिप्स प्लान होनी शुरू हो गई हैं इस वीकेंड का, तो पता नहीं इसके बाद वाले वीकेंड में अपना राजस्थान ट्रिप प्लान हो गया, तो मज़ा आने वाला है, सर्दियों को और अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, फिर उसके बाद गर्मियाँ और ऐसे ही पूरा साल एंजॉय करते रहना चाहिए मैं तो कहता हूँ, तो मज़ा आने वाला है यार। एक वीडियो ना माइलेज के ऊपर भी बनाना है, मैंने जो स्टोक टायर्स आए थे और व्हील्स आए थे उसके साथ तो गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाया, कितना चलाया होगा 100 किलोमीटर हद से ज़्यादा, और फिर उसके बाद तो 80 टायर्स और सब कुछ आ गए हैं, तो मुझे हल्का सा डिफरेंस तो लगा है। जैसे अगर पहले 15 की थी तो अब 14.5 की आ रही होगी माइलेज, तो एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मुझे लग रहा है हाईवे पे तो यार ये 16-17 पार दे देगी, और लोगों ने क्लेम किया है, मेरे को तो लगा यार मज़े ले रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा है यार सही में इतनी एवरेज मिल रही है अगर आप ढंग से चला रहे हो तो। इसको वीडियो वो भी बनाएंगे बहुत जल्द जैसे ही हाईवे पे जाने का मौका मिलता है, सिटी में तो चला रहे हैं और सिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 14-15 आराम से मिल रही है। जब मैं गुड़गांव से करोल बाग गया था तो मेरे को उस दिन एवरेज दिखा रही थी 17 point something की, तो लगा लो यार एक या दो कम भी दी होगी तो भी यार उस दिन ट्रैफिक के अंदर सब कुछ जाके बहुत ज़्यादा फाड़ गया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। जब मैं इसको प्लान कर रहा था मैंने कहा 12-13 भी देगी ना कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे लेकिन सही एवरेज निकल रही है यार, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाकर भी, मज़ा हर चीज़ का मज़ा है इस गाड़ी में यार। तो वहाँ पे अंकित भाई खड़े हुए हैं, मिलते हैं उनसे, बातें करते हैं, पहली बार मिल रहा हूँ मैं उनसे यार। अपनी गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं अनुभव भाई और अंकित भाई, और यहाँ पे कुछ लोग गाड़ी देखने आ गए थे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हमने कुछ तो जवाब दे दिए लेकिन थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस भी हो रहा था, तो बोला कि यार थोड़ी देर इनको मतलब थोड़ी देर होते तो ये जल्दी से वीडियो बना लें अपना, और फिर ताकि हम अपना निकल के अपना दिन शुरू कर सके, काम शुरू कर सके। और ये अंकित भाई है और अनुभव भाई है, दोनों के चैनल हैं, एक बीटेक राइडर और एक है अनुभव चौहान। तो जैसे हम अपनी गाड़ी का वीडियो बना रहे थे हमारे साथ कुछ भाई लोग आए, भाई आपको कैसी लग रही है हमारी गाड़ी? भाई एक नंबर की गाड़ी है, नहीं समझ ले 15 साल की हवा से बात कर रहा है गाड़ी। अच्छा तो यार भाई लोगों को अपनी गाड़ी पसंद आई, एक बार इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं हमारी जो मॉडिफिकेशंस हुई है। तो हमारे साथ है अनुभव चौहान एंड अंकित चौहान, इनका चैनल है बीटेक राइडर और आपका अनुभव चौहान के नाम से। तो यार आप दोनों से मिलने का मौका मिल गया, हमने गाड़ी ले ली, नहीं तो पता नहीं कहाँ मिल पाते। तो आपको
पर से मिलने का हमें मौका मिल गया यार रेड 4 वेरिएंट का, और इतनी बढ़िया मॉडिफिकेशन करा रखी है ना आपने। आप पहले पहले आए ना भाई, मेरे को तो लगा ही नहीं सही भाई, मतलब ऐसा लगा टॉप वेरिएंट है। आगे से बहुत मस्त लग रही थी, बाकी साइड में भी अलॉयज लगवा दिए ना हमने, टायर लगवा दिए ऐसे ग्रुप्स वाले, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो गई है। हाँ यार टायर का रिव्यू मेरे को सभी बहुत अच्छा दे रहे हैं, इवन मतलब मम्मी पापा को भी इतनी नॉलेज नहीं होने का कि हाँ यार करा के आए हो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी लग रही है कि अपलिफ्ट हो गई है। हाँ अच्छा मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप कह रहे थे कि इसमें थोड़ा सा मतलब, हाँ ये ग्राउंड क्लियरेंस ही लगा लो कि 13 mm के करीब बढ़ा है, मतलब बढ़ना चाहिए जो कैलकुलेशंस कहती है, मेजर तो अभी तक किया नहीं है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसका, जैसे अब लोग क्या कर रहे हैं अभी तो ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए वो यहाँ पे टेप लेके यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, वहाँ लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। तो इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके मैं इसका एग्जैक्ट ग्राउंड क्लीयरेंस जितना बड़ा है ना वो निकालूंगा थोड़े दिन में, अभी तो यार मौका नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि यार बिजी लाइफ चल रही है, अभी न्यू ईयर्स था फिर ये गाड़ी मिल गई, कहीं जा भी नहीं पाए, और अच्छा ही हो गया नहीं जा पाए, गाड़ी मिल गई। आप 20 लाख रुपए में Z8 ले रहे हो, अगर वो इंट्रोडक्टरी में है तो ही वो 20 लाख की, अदरवाइज तो वो भी 20 से ऊपर गई, और 20 से ऊपर मतलब 20 तो शायद ऑन रोड मिल जाएगी 20 की, 20-17 के आसपास ऑन रोड, सिर्फ उसमें एड्रीनोक्स हो गया, देखो उसमें चेंजेस तो है यार, काफी चीजें तो है। और 4x4 कितने की होगी वो Z8? क्योंकि 20 की तो यार मुझे यही पड़ गई है। हाँ यार देखो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया है। हाँ अब हमें थोड़ा सा एसजी भाई सनरूफ खुले, हाँ ऑटोमेटिक, अब हमारे घर में जैसे बच्चा है तो चाहता है कि भाई सनरूफ निकलेंगे, वो पहले ही कह दी थी सबने घर में। नहीं यार देखो वो जब बच्चा होगा तो उसे सनरूफ तो यार बहुत प्यारा लगेगा ही लगेगा, इवन सब बड़ों को भी लगता है, सब पे लगता है। दूर से कहते थे वो गाड़ी यार वो आ रही है, जब आपको गाड़ी आ गई। हाँ तो भाई हमारा वीडियो देख के दूसरे को मैसेज कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया यार शेयर कर रहे हैं। मेरा ऐसा टाइम होता है मैं 1 बजे बिल्कुल सो जाता हूँ, और आपकी वीडियो देखे देखो 2 बजे मैंने इसको मैसेज भेज रखा है, और टायर का भेज रखा है मैंने, देखो ऐसे ऐसे टायर की वीडियो देखो बहुत ज्यादा मस्त है। टायर की कल की बात है, हाँ कल की बात है जब मैंने कल ही टायर देखूंगा, हाँ यार टायर यार अभी तक तो मैंने चलाई आधा है नहीं, 500 किलोमीटर ही चलाई है, तो अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, इवन मुझे लगता है कि इसकी वजह से ब्रेकिंग थोड़ी इंप्रूव ही हुई होगी। हाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी तो बढ़ती ही है। हाँ बाकी देखो चलाते रहेंगे तो आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की थोड़ा सा चलाकर इसको जल्दी से अभी एक दूसरे को भी ट्रिप पे लेके जाते हैं, मौका मिला तो कभी साथ में चलेंगे यार। मैं बिल्कुल अभी यही बोलने वाला था, मैंने उसकी बात छीन ली, मगर हमारी गाड़ी आ जाए ना फिर साथ में चलेंगे, बड़ा मजा। अरे उसके बिना चल देंगे यार, अभी इसमें चल देंगे, जब आपकी आएगी उसमें चल देंगे, फिर दोनों साथ में। आपकी कौन सी कलर की है? अरे वाह काली स्कॉर्पियो। हाँ जी हाँ जी, तो यार बहुत अच्छा लगा इन दोनों भाइयों से मिलके, दोनों सगे भाई हैं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा लास्ट नेम सेम है, हो सकता है कि यार कजन होते हैं वो होते हैं, और ये बड़े हैं ये छोटे हैं, जबकि ये बड़े लग रहे हैं, ये बड़े लग रहे हैं ये छोटे लग रहे हैं। सही है बढ़िया। तो ये आप लोगों को बादल दिख रहे हैं, और जी हम लद्दाख एक दिन ऐसा जरूर कहेंगे, लेकिन अभी हम गुड़गांव में ही हैं, और हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे है तो हम उनके घर जा रहे हैं, और कोरा हो रखा है, तो ये हमारी पहली कोरे वाली ड्राइव है गुड़गांव में और अपनी स्कॉर्पियन में। निकिता कैसा लग रहा है आपको? निकिता हेलो आवाज आ रही है? लगता है नेटवर्क थोड़ा वीक है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, कैमरा तो निकिता ने ही पकड़ रखा है, तो अभी बस पहुँचते हैं जल्दी से, फिर अपना दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं दो भाइयों से, एक है श्याम अरोड़ा, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, और एक है हिमांशु, उनका भी यूट्यूब चैनल है, कल सुबह, तो मज़ा आने वाला है। अभी जाते हैं जल्दी से, फिर घर आते हैं, थोड़ा बहुत एडिटिंग वेडिंग करते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं।